हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम शर्मा आज की अपनी इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आई हूँ स्ट्रॉ पेंटिंग। इसे आप एक्वेरियम पेंटिंग भी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस पेंटिंग की खास बात यह है कि हमारा पेपर स्टील यानी स्थिर होने के बावजूद भी आप इस पेंटिंग में एक एक्वेरियम वाली फीलिंग को महसूस कर सकते हैं। तो मैं आपको इसे दिखाती हूँ, तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए फ्रेंड्स। तो यदि फ्रेंड्स आपको सच में इसमें एक्वेरियम वाली फीलिंग महसूस हो रही है तो वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिए, तभी मेरी सारी अपडेट्स आप तक पहुंच पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें लेना है एक पेपर, और अब अपने स्केल की हेल्प के साथ पेपर के साइड में स्केल को लगभग 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। और अब इस ड्रॉ की गई लाइन को हमें अपने सीज़र के साथ पेपर को कट करना है। तो पेपर कट करने पर पेपर को 2 लेयर्स में हम फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद हम इसे बीच में से कट कर लेंगे। तो कट करने के बाद फ्रेंड्स, एक पीस को हम लेंगे और 4 लेयर्स में हमने उसे भी फोल्ड किया है। और अब फ्रेंड्स, इसके ऊपर हमने एक फ़िश की ड्राइंग ड्रॉ की है। तो मैंने यहाँ पर फ़िश की ड्राइंग ड्रॉ कर ली है, और अब मैं आपको इसे क्लोज करके दिखाती हूँ। तो अब फ्रेंड्स, इसे ड्रॉ की गई फ़िश को भी हमें अपने सीज़र के साथ कट करना है। तो कट करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास एक ही बार में 4 फिशेस बन चुके हैं। तो अब हमें दूसरे पीस को भी पेपर के फोल्ड करना है 4 लेयर्स में, और अब पहले से कुछ छोटी हमें फिश यहाँ पर भी ड्रॉ करनी है। तो ड्रॉ करने के बाद अब हमें अपनी सीज़र के साथ इस फिश को भी कट करना है। तो कट करने के बाद सभी जो पेपर की लेयर्स हैं हम उसे खोल लेंगे, और फिशेस को अलग अलग डायरेक्शन में रखते हुए अपने पेपर पर अपने ग्लू की हेल्प के साथ बहुत ही कम ग्लू अप्लाई करते हुए पेपर पर जगह जगह पेस्ट करेंगे। तो अब आप फ्रेंड्स देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर सभी फिशेस को पेस्ट कर लिया है, और अब बारी है कलरिंग की। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर शेड्स बता देती हूँ। तो यहाँ पर वाइट, येलो, रेड, ग्रीन, पर्शियन ब्लू एंड ब्लैक, यानी 6 शेड्स मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो इन्हीं शेड्स को इस्तेमाल करते हुए हम आज की अपनी यह पेंटिंग बनाएंगे। और अब बाकी की वीडियो को इन्जॉय कीजिए आप म्यूजिक के साथ।